बार मैं डीपली अच्छे से बताने वाली हूँ क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस में सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ डेमो के साथ। सबसे पहले मैं आपको डेमो ही मशीनों में करके दिखाऊंगी कि डेमो में सबसे ज्यादा दिक्कत आती क्या होती है। तो यहाँ पे हम चाइनीज मशीन का डेमो करके दिखाने वाले हैं। मशीन हमने हीट कर ली है। यहाँ पे आप देखिए एक पत्ता हमने रेडी किया है। इस तरीके से आपको पत्ता रेडी करना है। ब्लिस्टर और स्क्रबर आपका होता है, सिंपली आपको डाल के। यहाँ पे मैं आपको पहले पेस्टिंग करके दिखा रही हूँ आपको। इस मशीन में क्या होता है, लॉक सिस्टम होता है। यहाँ पे मशीन आपके पत्ते को लॉक कर देती है। टाइमर आपका चल जाता है, 10 सेकंड का टाइम आपका ये मशीन लेती है। 10 सेकंड के बाद ये मशीन आपकी बीप करने लगती है। ये देखिए टाइम होते ही बीप करना शुरू कर दिया है। हमने लॉक खोल दिया। अब यहाँ पे आपको पेस्टिंग करके दिखाऊंगी। हल्के से आपको इसे रब करना है और ये देखिए पेस्टिंग आप चाइनीज मशीन की। आप थोड़ा पास से क्लोजली आप देख सकते हैं ब्लिस्टर बिल्कुल भी ढंग से नहीं चिपका है। पेस्टिंग की बात करूं तो सारा ब्लिस्टर सिकुड़ गया है। आपकी पेस्टिंग ये देखिए कितनी खराब पेस्टिंग हुई है। एक एक पत्ता आपका उखड़ रहा है। आप कहते हैं कि कुछ मशीन सक्सेसफुल इसमें होगी, तो वो भी 2 से 3 दिन में पत्ता आपका खराब होने लगता है। उसी के साथ मैं आपको पहले इंडियन मशीन की भी आपको डेमो करके दिखाती हूँ, इंडियन मशीन में किस तरीके से आपकी पेस्टिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इंडियन मशीन का डेमो दिखा रही हूँ। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे भी किया है। ब्लिस्टर और स्क्रबर यहाँ पे रख दिया है। मैं आपको यहाँ पे डेमो करके दिखाती हूँ किस तरीके से आपका पत्ता पेस्ट होता है। सिंपली आपको डाई को अंदर करना है और अंदर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिजिटल पैनल मिल जाता है। 3 सेकंड में आपकी पेस्टिंग होती है। आप देखिए टाइमिंग यहाँ पे चल गई है। 3 सेकंड में पत्ता बीप करने लगता है। यहाँ पे आपको सिंपली बाहर निकल के हल्का सा ऊपर से हल्का सा रफ करना है और यहाँ पे मैं आपको 3 सेकंड में पेस्टिंग दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों ओनली 3 सेकंड में आपकी पेस्टिंग कितनी अच्छी हुई है। फिनिशिंग की बात करूँ तो देखो एक भी रिंकल नहीं आया है। इस पत्ते को देखो कितना भी खींच लो ये आपका नहीं उखड़ने वाला। आप कितना भी ला लो ये पेस्टिंग आप देख सकते हो ओनली 3 सेकंड की। वहीं पर आप चाइनीज मशीन की पेस्टिंग आप देख सकते हो किस तरीके से पेस्टिंग की गई। दोस्तों यहाँ पे आप दोनों मशीनों का देख सकते हो क्या कंपैरिजन हुआ है। डेमो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी मशीन बेस्ट है कौन सी बेकार है। यहाँ पे मैं किसी मशीन की बुराई नहीं करी। मेन मकसद क्या होता है, अगर ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक या अगर आप हीट देते हो, ये मशीन में वेट कुछ भी नहीं, ये ओनली लॉक सिस्टम है। हीट देने से प्लास्टिक ओनली पिघलता है ना कि चिपकता है। इसको चिपकाने के लिए हीट के साथ साथ आपकी वेट की भी जरूरत होती है। वेट से ही आपकी फिनिशिंग आती है। तो आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करें, जो भी मशीन लें, ये चीजें ध्यान में रखकर जरूर स्टार्ट करें। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं एक मशीन लगा लूं और प्रोडक्ट बनाकर तैयार करना शुरू कर दूं और मार्केट में सेल करना शुरू कर दूं। मगर एक सही मशीन चुनना भी एक कला होती है। तो एक बिजनेस अच्छा शुरू करने के लिए एक सही मशीन चुनना भी एक सबसे बड़ी कला होती है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सी मशीन आपके लिए बेस्ट रहती है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि आज आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि मैडम ने आपको दिखाया 2 मशीनों का डेमो। यहाँ पे एक इंडियन मॉडल मशीन दिखाई, देन एक चाइनीज मॉडल मशीन दिखाई। अब इसमें आपने दोनों में ही देखा कि एक ने एकदम प्रॉपर फिनिशिंग करके दी और एक ने बिल्कुल फिनिशिंग को बिगाड़ दिया। साथ ही साथ एक का जो है हैंड टू हैंड ये प्रोडक्ट भी छूटने लग गया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम जब किसी बिजनेस को शुरू करें तो हमारे लिए कौन सी मशीन बेस्ट होनी चाहिए, मशीन कैसे चलानी है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो इसी की पूरी आज नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि कौन सी मशीन आपके लिए बेस्ट होने वाली है, कैसे मशीन ऑपरेट करनी है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कितना टेम्परेचर सेट करना है, कैसे टेम्परेचर सेट करना है, कैसे डाई लगानी है, कौन सी डाई लगानी है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको नॉलेज मिलेगी कि बिजनेस कैसे शुरू करना है। तो वीडियो के मैं आगे हमारे साथ जुड़ने वाली है संगीता जी, जो आपको 1 by 1 करके सारी जानकारी इस मशीन की, देन चाइनीज मॉडल मशीन की देने वाली है और क्या कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं जो जिनसे आप बच सकते हैं और एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। सो कंपनी से हमारे साथ आ चुकी हैं संगीता जी। तो संगीता जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ मैम। तो जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में हमें 2 मशीन्स दिखाई और मशीन में कुछ डिफरेंस भी बताया, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि और इसके अंदर क्या खूबी होने वाली है, कौन सी मशीन लोगों के लिए बेस्ट रहेगी और कौन सी नहीं बेस्ट रहेगी, वो थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में डेमो भी दिखाया था, तो मैंने एक पेस्टिंग की आपको डीपली बात बताई थी। आपको पता जो ब्लिस्टर होता है वो एक प्लास्टिक होती है। बिल्कुल, प्लास्टिक को चिपकाने के लिए हीटर के साथ, हीटिंग के साथ साथ उसमें प्रेशर की जरूरत होती है। आप ये मशीन देख सकते हो इंडियन मशीन, इसका जो वेट है अप्रोक्स 160 kg। ये देखिए इसमें मैनुअली जितना प्रेशर आप देना चाहते हो उतना प्रेशर आप मैनुअली दे सकते हो। 3 सेकंड में आपकी यहाँ पे पेस्टिंग होती है। और वहीं जब मैंने दूसरी आपको चाइनीज मशीन दिखाई तो इसमें क्या होता है, ये एक लॉक सिस्टम है। इसका जो वेट है अप्रोक्स आपका 20 to 25 kg। ये देखिए कुछ भी वेट नहीं है, हाथ से यूं ही हिल सकते हो। इस मशीन को हिला के दिखा दो, जरा सा भी मूव नहीं करेगी। पहला जो मेन डिफरेंस आता है वेट के साथ साथ, और ये आपका लॉक सिस्टम है। आपको ये ब्लिस्टर, आप खुद सोच रहे हो ये ओनली लॉक हो रही है ना कि प्रेशर दे पा रही है, ओनली ब्लिस्टर पे हीट देगी।
हीट देने से बिजनेस कभी नहीं चिपकता। आप खुद इतना समझदार है, आप खुद सोच सकते हैं कि बिजनेस के लिए कौन सी मशीन आपकी बेस्ट है कौन सी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको इस मशीन की बुराई नहीं कर रही हूँ ना इस मशीन की तारीफ कर रही हूँ, ये थिंकिंग आपकी है। आपको सोचना है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो इस मशीन की, आप ये देखो बिल्कुल खोखली मशीन है, टीन का चदरा इस पे चढ़ा हुआ है, बिल्कुल आपके ये आप कहते हैं कि एल्युमिनियम की है, पेस्टिंग होगी, कुछ नहीं होती। ये ओनली अपनी बातों में आपको बेवकूफ बनाने वाली बातें होती है। आप इस मशीन की प्लेट देख सकते हो, पूरी आपकी प्लेट आयरन की होने वाली है, जितना प्रेशर दो उतना दे सकते हो। देन सेकंड चीज यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये जो मशीन आप देख रहे हो ये मशीन आपको अदर कंपनियां ही आपको 20,000 से 25,000 में सेल कर देती हैं, आपको बोल देती है न्यू मॉडल आया है ले लो, और ये सेम मशीन हमारी कंपनी में मात्र 15,000 में आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन हम आपको ये सजेस्ट नहीं करते, आपको लो हमारा मेन मोटिव है कि कस्टमर जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अच्छी मशीन से आप इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। सो इंडियन मॉडल की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमारे पास भी इंडियन मॉडल्स अवेलेबल है, स्टार्टिंग प्राइस उसका 25,000 से भी आपको स्टार्टिंग प्राइस मिल जाता है। ये जो मशीन दिखाई थोड़ी सी कॉस्टली होती है, आपको जरूरी नहीं है ये मशीन लो, इसके जैसे और काफी मशीनें हमारे पास, आप पीछे देख सकते हैं काफी सारा स्टॉक है, काफी तरह की आपको मशीनें हमारे पास कंपनी में, मैनुअल लेना चाहो ऑटोमेटिक लेना चाहो, काफी तरह की मशीनें हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। क्या बात है। और मैम ये जो है आपकी ये एकदम न्यू मॉडल मशीन है? हाँ जी सर, ये बिल्कुल न्यू मॉडल अभी हमारा लॉन्च हुआ है, बिल्कुल यूनिक मशीन है, किसी कंपनी में आपको ये मशीन देखने को नहीं। तो मैम इसकी थोड़ी सी खासियत बताइए और इससे पहले जो मॉडल सेल कर रहे थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो सकते हैं वो बताइए। चलिए दोस्तों आप ये देखो, पीछे मैं आपको एक मॉडल दिखाते हूँ, आपने हमारी मोस्टली वीडियो में इस मॉडल को देखा होगा, हम अपनी हर वीडियो में इस मॉडल के बारे में आपको बताते हैं। अब हमारा जो न्यू मॉडल है जो आप आगे देख पा रहे हो, इस मॉडल उसके पीछे वाले मॉडल में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको थोड़ा डीपली बताती हूँ। यहाँ पे आप देखो ये जो मशीन है, इस मशीन का जो वेट है अप्रोक्स 150 kg वेट है, वहीं पे इस मशीन का वेट आ जाता है अप्रोक्स 160 kg। सबसे पहला डिफरेंस आपका वेट का आया। सेकंड डिफरेंस आप ये देखो, आप जब इसे प्रेस करते हो तो इसमें आपका सिंगल प्रेशर पड़ता है, मतलब सिंगल प्रेशर में आपके करती है, और यहाँ पे आपका देखो प्रेस करने पे यहाँ से बीच से और साइड से दोनों साइड से डबल प्रेशर आपका लगता है। क्या बात है, डबल प्रेशर, तो मतलब पत्ता और अच्छा चिपकता है और अच्छी फिनिशिंग आएगी, काफी लॉन्ग टाइम तक आपका पत्ता चिपकेगा और मार्केटिंग में बहुत ही ज्यादा आपको सहायक मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिजनेस खराब नहीं होता। हाँ बिल्कुल। और थर्ड बेनिफिट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आप इस मशीन में जब वर्क करते हो तो सामने से आप डाई डालोगे, पेस्टिंग करके निकाल लोगे, लेकिन उसी के मुकाबले ये जो मशीन है आपकी डुअल साइडेड वर्क करती है, आगे से भी आप डाई करके करो पीछे से भी करो। क्या बात है, मतलब एक बार में दो डाई बनेगी। हाँ, एक मशीन से दो लेवर काम कर सकती है, डबल प्रोडक्शन आप इस एक मशीन से आप कर सकते हो। क्या बात है, मशीन एक काम दो हो जाएंगे। दोस्तों देखा आपने, मतलब मैम के पास ओल्ड मॉडल भी है, देन अगर आप वो परचेस करना चाहते हैं वो भी परचेस कर सकते हैं, और कुछ न्यू मॉडल्स भी लॉन्च हुए हैं वो भी आप परचेस कर सकते हैं। मैम अभी आपने हमें एक प्रॉपर डेमो करके दिखाया जिसमें आपने बताया कि इसमें 3 सेकंड में पत्ता कंप्लीट हो जाता है, देन इसमें 10 सेकंड लगे उसी पत्ते को कंप्लीट होने में। तो इस हिसाब से अगर हम प्रोडक्शन देखें तो इससे कोई प्रोडक्शन करता है तो 3 सेकंड में एक तरीके से 6 सेकंड में दो पत्ते बना रहा कस्टमर, तो इजिली मतलब एक घंटे में 200-250 पत्ते बना सकता है आराम से, 300-350 पत्ते एक घंटे में। और वैसे भी ये आपकी डुअल साइडेड है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन आपका डबल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पे आपकी उसमें पेस्टिंग में भी दिक्कत है, आपका टाइम भी ज्यादा ले रही है और मार्केट भी खराब कर रही है, तो उस अकॉर्डिंग अपने दिमाग से आप सोच सकते हैं अपने बिजनेस के लिए आपकी कौन सी मशीन बेस्ट है कौन सी बेकार है। क्या बात है। सो मैम अब जैसे कोई मशीन ये ले लेता है, मान लीजिए सपोज आपका न्यू मॉडल मशीन, तो इसमें आपकी गारंटी देन वारंटी क्या रहने वाली है वो थोड़ा सा सर। इस मशीन पे हमारी 5 ईयर की वारंटी रहती है। अच्छा। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी क्यों ना हो, क्योंकि मोस्टली कस्टमर का ये हमारे पास क्वेश्चन रहता है कि हम आसाम से हैं, हम नेपाल से हैं, हम महाराष्ट्र से हैं, हमारे को यहाँ पे सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी ऑल ओवर इंडिया सर्विस हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी क्यों ना हो टेक्नीशियन आपके घर पर आएंगे विजिट करने। अच्छा, तो मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपको प्रॉपर वारंटी मिलने वाली है और 5 साल के लिए मिलने वाली है। सो मैम अगर कोई इस मशीन को परचेज करना चाहे सपोज दैट, तो अगर ईएमआई वगैरह के भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने पास? सर ईएमआई की फैसिलिटी है हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन ईएमआई की फैसिलिटी वो आपको मैनुअल मशीन पे ना मिलती है, ऑटोमेटिक मशीन जो आप देख सकते हो उस मशीन पे आपको ईएमआई फैसिलिटी मिलने वाली है, वो भी 0% इंटरेस्ट पे। क्या बात है, 0% इंटरेस्ट पे। तो मैं बात करें इसके अलावा और कौन कौन सी मशीन से जो आपके पास से मिलने वाली है? तो दोस्तों मैं आपको पहले मशीनें दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैनुअल में आपको काफी तरह के यूनिक यूनिक मॉडल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, काफी तरह के मैनुअल के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मशीनें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। देन इस साइड आप आते हो तो यहाँ पे आपको डोना पत्तल में हाइड्रोलिक मशीन आपको हमारे पास मिलने वाली है, सिंगल डाई हो गई, डबल डाई हो गई, ये आपकी स्क्रबर मेकिंग मशीन है जो स्टील स्क्रबर बनाने वाली मशीन आपको मिल जाएगी। देन इस साइड आप आते हो तो सारी आपको डोना पत्तल से रिलेटेड क्रैंक में मशीन आपको देखने को मिल जाती है, इसके अलावा हमारे पास बेड सीलर मशीन आपको देखने को
मिल जाएगी, उसकी बैच कोटिंग मशीन हो गई, वेट फिलिंग मशीन हो गई, रोल बर्गर से रिलेटेड प्लस कोल्ड ड्रिंक वाली मशीनें भी हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। क्या बात है, मतलब एक ही छत के नीचे काफी सारे बिजनेस है जो लघु उद्योग के मिलने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा, लघु उद्योग से याद आया मैम, अगर हम इस मशीन को लगाते हैं तो वैसे मशीन देख के तो लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा स्पेस कितना चाहिए, मगर अगर इसकी बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगने वाली है? सर, इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप जितनी भी मशीन है, चाहे मैंने ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक दिखाई हो या आपकी मैनुअल मशीन है, सारी मशीन आपकी सिंगल फेस पे आपके वर्क करती है नॉर्मल घर के मीटर पे आपके। क्या बात है दोस्तों, इस तरीके से आपको जो मशीन है वो सारी लघु उद्योग वाली मिलने वाली है, तो घर के नॉर्मल मीटर पे ही आप इसे वर्क कर सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि अभी आपने प्रॉपर लाइव डेमो करके दिखाया कि मशीन कैसे वर्क करती है, तो इसका जो रॉ मटेरियल यूज हुआ था इसके अंदर, वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलने वाला है? सर, सारा का सारा रॉ मटेरियल आपको हमारी ही कंपनी में मिलने वाला है, हमारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है रॉ मटेरियल की। यहाँ पे मैं बोलूंगी नहीं, आपको दिखाऊंगी भी साथ साथ। आप यहाँ की साइड देख सकते हैं, आपको अलग अलग तरीके से रॉ मटेरियल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपकी शीटों की मैं बात करूँ, कवर की शीट हो गई, मसाले की शीट हो गई, आप अपने नाम से ब्रांडिंग करवाना चाहते हो आप अपने नाम से ब्रांडिंग करवा सकते हो, कंपनी के नाम से लेके स्टार्टिंग करना चाहो या बॉक्स में आप देख सकते हो पैकिंग करना चाहो, सिंगल सिंगल छह पीस। देन इस साइड आप आते हो तो यहाँ पे आपको स्क्रबर देखने को मिल जाता है, स्क्रबर आप यहाँ पे देख सकते हो कुंटल की क्वांटिटी में यहाँ पे आपको स्क्रबर देखने को मिल जाएगा। SS लेना हो, GI स्क्रबर लेना हो, उस साइड आप सारा रॉ मटेरियल, आप डोरा पत्तल का रॉ मटेरियल देख सकते हो, कितने बड़े बड़े रोल्स आपको मिल जाएंगे। देन मैं ऊपर भी हाईलाइट करना चाहूंगी, यहाँ पे आप देखिए कितना ज्यादा ब्लिस्टर की क्वांटिटी है, शीट की क्वांटिटी है। ये सारा जो रॉ मटेरियल है, मैं ओनली आपको अपना नीचे का फ्लोर दिखा रही हूँ, उसके ऊपर हमारे दो फ्लोर और है, वहाँ पे भी हमारा सारा रॉ मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी आप ऊपर के दो फ्लोर देखना चाहते हैं तो कंपनी के खुद के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, बाकी आप वीडियो कॉल के थ्रू भी सारी जानकारी ले सकते हैं। और बाकी मैम, अगर कोई जुड़ना चाहता है ये प्रोसेस में या खाली रॉ मटेरियल लेना चाहता है, मशीन लेना चाहता है, तो कैसे ले सकता है? सर, अगर कोई भी कस्टमर हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट करिए, अपना वीडियो कॉल के थ्रू हमारा ऑफिस वेरीफाई करिए, सारी चीजें देख के फुल सेटिस्फाइड होकर ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया अपना माल मटेरियल मंगा सकते हैं। या अगर आप ऑफिस आना चाहते हैं तो दिल्ली में अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन हमारा ऑफिस है, विजिट करके सारी चीजें देख के हैंड टू हैंड मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, अपना डिस्पैच करवा सकते हैं। क्या बात है, सो मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू।